हेलीकॉप्टर से एक सर्वे किया एरियल, और जो भी हम लोगों ने पाया कि बैकुंठपुर में जो पखा वाला टूटा था और वहाँ से जो हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बहुत पानी घुसेगा, लेकिन अभी पानी वहाँ घट गया, काफ़ी घट गया पानी। यहाँ तक कि नीचे का वो जो घास वास भी वहाँ पर नज़र आ रहा है, वहाँ फ्लो नहीं है, स्थिर है। और निकल करके ये पानी बहुत बड़े एरिया में भी नहीं गया, ऊपर से जो नज़र आया उसके हिसाब से हम लोगों को लगता है कि वो किरतपुर और फैजुल्लापुर के ही एरिया में, उससे ज़्यादा अभी पानी वहाँ से नहीं निकल पाया और पानी का फ्लो भी नहीं अभी है। तो चीफ इंजीनियर इन चीफ साहब भी साथ में थे, इनका मैंने लगता है कि तुरंत उसको पलक कर देंगे। देवापुर के पास जो टूटा है वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, ज़्यादा 100 फीट के आसपास हो गया है, लेकिन पानी यहाँ पर भी घटा है, तो यहाँ पर भी बहुत जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। और अंदर की बात है, जो देवापुर से पानी बहा है तो हम लोगों ने देखा कि चौड़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बीच से काफ़ी दूर तक हम लोगों का लगता है कि पूरा ज़िला से भी आगे पानी निकल गया है। और बीच में जो गांव वगैरह पड़ा कुछ वो अफेक्टेड है, लेकिन साइड में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि पूरा ही का पूरा बहुत ज़्यादा ये हुआ है, लेकिन बीच में 5-7 किलोमीटर जो फैला पानी उसके बीच में जो गाँव है उसमें हम लोगों ने पाया कि थोड़ा परेशानी है, वहाँ पर समझ है। और थोड़ा सा उसका पानी उधर जा कर करके वो सिधवलिया का कुछ एरिया में कुछ गांव है जो कि पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा था, और उसका रोड भी पानी, उस पर रोड पर पानी चल रहा है। तो स्थिति यही है अभी मोटा मोटी हमको लगता है, और इसके आकलन से एक फ़ायदा हम लोगों को होगा कि कहां कहां पर किनको क्या ज़रूरत है, हम लोग उसके हिसाब से उनकी उनको जो राहत पहुँचाना वो पहुँचाएंगे।